फ्रेंड, मैं रुचि, आपकी गार्डनर दोस्त। आज मैं आपसे जेट प्लांट के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। ये जो जेट प्लांट होता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हम इसको किस एरिया में रख रहे हैं, शेड में या बहुत ज़्यादा धूप में। ये प्लांट्स धूप में रखने वाला नहीं है, इसको बहुत कम हल्की सी रोशनी चाहिए, हल्का सा धूप चाहिए। ज़्यादा धूप में ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको इंडोर में रखते हो तो इसको हल्की सी धूप या जो रोशनी होती है वो हल्की सी चाहिए, नहीं तो ये अपने पत्ते गिरा देगी या इनके जो पत्तों के कलर हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब इसमें आप ज़्यादा पानी की मात्रा दे दो तब भी ये प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसका ड्रेन होल जो होता है बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे इसमें आप पानी डालें तो इसमें पानी इजीली नीचे से निकल जाए, नहीं तो ये प्लांट्स आपका ख़राब हो जाता है। या उस स्थिति में भी ये पौधा ख़राब हो जाता है जब हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और 2-3 दिन फिर डालते नहीं हैं, तब ये प्लांट्स अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देता है और हमको लगता है पता नहीं क्यों ये हमारा प्लांट्स ख़राब हो रहा है। ये प्लांट्स जो इतना घना आपको दिख रहा है, ये देखिए, मैंने इसको एक छोटी सी स्टिक से लगाया हुआ है, लेकिन ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। ये मैंने टेरेस पे रखा हुआ है, पहले मैंने इसे इंडोर रखा हुआ था तो ये इसके सारे पत्ते गिरने लगे थे, सारा प्लांट्स बेकार होने लगा था, लेकिन मैंने इसको टेरेस पे शेड एरिया में रख दिया है, तब ये प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप इसको इजीली ग्रो भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसको ग्रो कैसे किया जाता है। जैसे आप इस तरह की कोई भी टहनी ले लीजिए, ये देखिए, जैसे ये वाली टहनी ली है मैंने, ये टहनी ली, यहाँ से हमने इसको तोड़ा। मैं दिखाती हूँ, कैंची लेकर बैठूँ, मैं कैंची लेकर नहीं बैठी, सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैंची से हमने यहाँ पर कट कर लिया इस तरीके से। ये आसानी से टूटता नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट हो जाता है। हम इस तरह से इसकी एक टहनी को कट कर लेते हैं, ये देखिए, इस तरह से आप नीचे से कटिंग कर कर के भी आप इसको वुशी बना सकते हो। मेरा वैसे ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा वुशी हो चुका है, और मैंने दिखाती हूँ आपको, मैंने ये भी एक कटिंग से प्लांट्स तैयार किया हुआ है। जब ये बारिश के बाद जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, अभी इसको 8-10 दिन ही हुए हैं, जब काफ़ी टाइम हो जाएगा तो ये प्लांट्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको अब कटिंग लगाना दिखाती हूँ। ये गमला लिया, इसका ड्रेन होल बहुत अच्छा है, ये देखिए, इसमें सॉइल में कोकोपीट और थोड़ा रिवर सैंड भी मिला हुआ है, जिससे इसमें अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये आसानी से नीचे निकल जाता है इसका पानी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम इसको कैसे लगाएंगे। ये इस तरह की टहनी ली हमने, और नीचे के ये पत्ते जो हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं, ये देखिए, इस तरह से आप पत्तों को रिमूव कर दीजिए, और इसमें हल्का सा होल करके, ये देखिए, मैंने इसमें होल कर दिया है, इस तरह से होल करके आप इस स्टिक को इसमें ऐसे रख के और इसकी मिट्टी से कस के दबा दें। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी कई कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसके बाद आप इसमें पानी डाल के और शेड एरिया में रख दें तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और ये प्लांट्स बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा आपको नहीं देनी है, नहीं तो इसके लीफ जितने भी पत्ते हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर इस पे बाई चांस कभी कीड़ा लग जाए, वैसे मेरा प्लांट्स इतना हेल्दी है कि इसमें अभी तक कोई कीड़ा नहीं लगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आप पर इस पे कीड़ा हो जाए तो आप स्प्रे कर दीजिए, वरना आप जैसे आपका यहाँ
यहाँ पर कोई कीड़ा बंधा हुआ है, जैसे यहाँ पर कोई कीड़ा है तो आप इतना पत्ती को इस तरह से ये रिमूव कर दीजिए, कीड़े वाला हिस्सा आप इससे निकाल दीजिए, नहीं तो ये आपका सारा प्लांट्स ख़राब कर देगा। बस आप इसको छोटे से गमले में भी लगाया जा सकता है, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्लांट हो, बहुत बड़ा गमला हो, कोई भी प्लास्टिक के गमले में चलेगा। देखिए मेरा हैंगिंग प्लांट है, ये देखिए, और इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुंदर हो रहा है, और विश्वास नहीं मानता कोई भी कि मैंने एक छोटी सी स्टिक से तैयार किया हुआ है। आप ये देखिए पूरी टेबल को कवर कर चुका है। बस इसमें ध्यान यही रखना है, पानी की मात्रा ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, धूप से इसको बचाएं, धूप ज़्यादा इसको पसंद नहीं है, बस हल्का सा रोशनी आती रहे, ये प्लांट हेल्दी होता रहेगा और इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप अपने बगीचे में इसको ऐड अवश्य कीजिएगा, ये प्लांट्स बहुत लकी माना जाता है, इसको जेट प्लांट्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।